विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। बीजेपी निकाल रही है, अजीत पवार साहब है तो पूना में है तो सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो अगर हम प्रॉपर परमिशन लेकर उनको कह रहे हैं कि हम ये ग्राउंड सेलेक्ट कर रहे हैं, आप हमको परमिशन दे दीजिए, तो कोरोना निकल जाता अचानक हमारे टाइम के ऊपर। तो हमने अब ये तय किया है कि आपको हम जब अच्छे तरीके से बोल रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे हैं, अब दोबारा हमने परमिशन के लिए अप्लाई किए हैं, अगर आप नहीं देंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप चलो मुंबई नहीं, अब तो हम आ रहे हैं। इसके इसके आगे का एक सवाल असोसिएशन से है कि हम आ रहे हैं, इसका मतलब यूपी में आपने 100 सीट लड़ने की घोषणा की है, आने वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई में क्या एमआईएम की क्या भूमिका है? लड़ेंगे वहाँ पे। उसी से जोड़ कर कि अभी कॉर्पोरेशन में आप लड़ रहे हो और यूपी में भी लड़ रहे हो, तो फिर इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में महाराष्ट्र के किसी के साथ अभी एमआईएम अलायंस करेगी या कुछ लड़ेंगे? नहीं, हमारे दम में दम है तो अब हम सबको दम करेंगे और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। और आगे 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 तो अरे हम लोग बोलने भी नहीं दे रहे, आगे क्या होता देखिए ना, अभी तो लड़ेंगे तो जरूर और इंशाल्लाह अच्छा लड़ेंगे। सर एमएम की हर जगह पीछे हट हो रही है, अभी इससे पहले आपने देखा होगा गुलबर्गा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो लास्ट टाइम, सुनिए गुलबर्गा क्यों ये हालत, सुनिए गुलबर्गा में से पहले मंजिस कबड़ी इलेक्शन, आप जर्नलिस्ट है थोड़ा तो आप रिसर्च करना, सुनिए नहीं आपका आपका अख्तियार है सवाल करने का मगर आप थोड़ा रिसर्च तो कर लेते, इससे पहले कबड़ी मंजिस गुलबर्गा में मेरी मेरी मैं तो जितना ताकत लगाई थी, अरे सुनिए ताकत इलेक्शन में ताकत लगाना पड़ता ना, बगैर ताकत इलेक्शन लड़ते क्या? इलेक्शन का काम ताकत लड़ाना है, मेहनत करना है, और एक पहली मर्तबा लड़े इलेक्शन 10,500-11,000 वोट लिए कोई मामूली बात है? सोलापुर में भी एक मिनट ठहरो, लड़े पहले फिर लड़ेंगे निकलेंगे, क्यों फिक्र कर रहे आप, हम बराबर कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला, आप इसमें मुतमईन रहिए, हमारी कामयाबी मुसद्दका है, कोई नहीं रोक सकता, हम मेहनत करेंगे, ठीक है क्या कमजोरियां थी उसका जायजा ले रहे और करेंगे, मगर मैं गुलबर्गी के आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी बड़ी तादाद में हमको वोट दिया, आप कोविड के दौरान में ना कोई जलसा ना कुछ कैंपेन कैसा कह दे राहत कैसा लगा दे, कोई मैंने 4 दिन 4 लोगों को लेके जाओ खत्म करो, तो इंशाल्लाह करेंगे मेहनत, मुख्यमंत्री बना दिया आपने उनको, मैंने आप हर चीज को जस्टिफाई कर सकते, आपका कोई ठेका लेके रखे सेकुलरिज्म का और आप हमको उंगली उठाते, तुम ये तो एक्सपोज हो रहे बुरी तरह से, और 24 आने तक देखना शिवसेना फिर बीजेपी के साथ जाएगी। बैरिस्टर सर 2022 में यूपी में चुनाव होने जा रहे हैं तो आपका दल छोटे छोटे पार्टियां महागठबंधन बना दे रहे हैं, तो आप किसके साथ जाओगे सर, क्या अकेले लड़ोगे कि गठबंधन बनाकर लड़ोगे? देखिए अभी बहुत से बातचीत चल रही है, आगे क्या होता है वक्त ही बताएगा इंशाल्लाह। सर अभी इंजा जलील सर ने यहाँ पर भाषण में बोल दिया कि हम चलो मुंबई नहीं बोल रहे, हम मुंबई आ रहे हैं, इम्तियाज जलील बैठे हैं वो खुद हैदराबाद से हो, कहीं पे दिखाई नहीं दी पंजाब में या हरियाणा में क्या एमआईएम किसानों को लेकर जो समर्थन को बेचा है उसका धंधा किया है उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करके वो जमीनों को हमको वापस लाइए। दूसरा एक ये है राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।